आज हम नरसिंहपुर जिला गाड़ावारा तहसील के अंतर्गत साईंकड़ा विकासखंड में आने वाली ग्राम पंचायत तुमड़ा के किसानी मौजा में आ चुके हैं। हम आपके बीच में एक बड़ी खबर लेकर आए हैं। हम आपको बता दें, हमारे पीछे जो आप देख रहे हैं ये पूरे दलित परिवारों की महिला हैं। 12 से 15 दलित परिवार की ये महिला हैं। इनका सीधा आरोप मध्य प्रदेश शासन पर सीधा आरोप है कि इनके ऊपर जो इनकी जमीनों के ऊपर जो कार्रवाई हुई है वो गलत हुई है। इनके जमीन के पास लगभग इस किसानी मौजा में तुमड़ा किसानी मौजा में 100 एकड़ सरकारी जमीन है, लेकिन दलित परिवारों की जमीन पर ही कब्जा है। जो आपकी गौशाला बनाने को लेकर, अमृत सरोवर को बनाने को लेकर इनकी जमीन खाली करवाई जाती है, जेसीबी चलवाई जाती है और ट्रैक्टर चलवाए जाते हैं। बताएं क्या परेशानी चल रही है। बस भैया, तो आपके साथ बहुत अन्याय हुआ है। आपके खेत के आसपास बहुत सारी सरकारी जमीन पड़ी है, लेकिन आप ही की बकरी है, अकेली आप ही की बकरी है। तो आपके जो प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी जो आपको बहना मानते हैं, तो आप क्या कहना चाहती हैं मुख्यमंत्री तक, क्या संदेश देना चाह रहे हैं? क्योंकि वो तो कहते हैं कि हम दलितों से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन यहाँ तो बहुत अन्याय हुआ है, बहुत परेशानी है। आपके कितने परिवार हैं यहाँ? पूरे 15 परिवार है। सब दलित हैं आप? सब दलित। बहुत परेशानी है? बहुत परेशानी। दुख हो रहा है बहुत ज्यादा? बहुत दुख हो रहा है। हमें कल मार मार के कचरा कर दिया, हमें हमने अन्न नहीं खाओ 3 दिन से हो रहा है। हम ये हैरान, बहुत परेशानी है, परेशानी आ रही है। अच्छा, आप ही के खेत में चलाई है? नहीं चलाई तो आपका नुकसान कर दिया? नुकसान कर दिया हमारा। क्या नाम है आपका? देवी भाई। देवी भाई, आप दलित हैं? हाँ। कौन से ग्राम में रहती हैं? तुमड़ा ग्राम। किसानी मोजा तुमड़ा है? हाँ। हमारी जमीन, हमारी जमीन, हमारी जमीन, हमारी जमीन। दलितों के साथ अन्याय क्यों? दलितों के साथ अन्याय क्यों? दलितों के साथ अन्याय क्यों? दलितों के साथ अन्याय क्यों?